हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टॉक लेकर के आया हूँ, एशियन पेंट्स लिमिटेड। आज हम लोग इसी स्टॉक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये निफ्टी की एक दिग्गज कंपनी है और जैसा कि अभी स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली हावी हो चुका है, तो हम लोग अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे कि जो निफ्टी की कंपनी है, अगर वो कम वैल्यूएशन में मिल रही है तो उसमें हम लोग अपना निवेश का मन बनाएंगे और इसके फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे, इसके प्राइस लेवल का एस्टिमेट लगाएंगे कि ये कब लेना चाहिए और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आएगा भविष्य में, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 23.98% है, जो कि काफी बेहतरीन है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड भी जो है काफी अच्छा है, 35% के आसपास है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये दोनों पैरामीटर इसके काफी अच्छे हैं। और इस कंपनी का देखिए दोस्तों, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी जो है 0.03% है। ये कंपनी जो है डेब्ट फ्री है, तो ये तीनों फ्रंट पर जो है ये कंपनी का पैरामीटर काफी अच्छा दिख रहा है। और चूंकि ये निफ्टी की कंपनी है, तो निफ्टी के जो प्रीरिक्विजिट टर्म्स होते हैं निफ्टी में आने के, वो इस सारे फुलफिल करती हैं, तो इसलिए इनका पैरामीटर्स भी अच्छा है। तो दोस्तों, अब हम लोग इसका रिटर्न भी देख लेते हैं कि ये एशियन पेंट्स जो है किस तरह का रिटर्न दी है पास्ट में, और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, पिछले एक सप्ताह में ये करीबन 2.5% का निगेटिव रिटर्न दी, एक महीना में करीब 1% पॉजिटिव रहा है, और जनवरी से अभी तक 0.64% का रिटर्न दी है, एक साल में तकरीबन 28% का रिटर्न दी है, 3 साल में 75% का रिटर्न दी है, 5 साल में 119% का रिटर्न दी है, 10 साल में 893% का रिटर्न दी है। यानी कि पिछले 10 सालों में ये अपने इन्वेस्टर का पैसा तकरीबन 9 गुना से ज्यादा करके इसने रिटर्न दिया है। और इसमें दोस्तों, जो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका एक्स्ट्रा है। और दोस्तों, अब हम लोग इसका फंडामेंटल चेक करते हैं और प्राइस चार्ट के हिसाब से इनका जो है रेट देखते हैं कि इनका प्राइस पैटर्न कैसा रहा है। दोस्तों, एशियन पेंट का ये लाइफ टाइम चार्ट आपके सामने दिख रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर है ये लॉन्ग बुल रन में चल रहा है, और इनका जो है जुलाई 19 से ये फ्रेश जो है अपना न्यू हाई बनाया है। काफी तेज इसमें वृद्धि दर्ज होती हुई दिखी है, और अभी ये जो जिस तरह से शेयर मार्केट गिरा है उसके बाद ये भी इस स्टॉक में भी हल्का करेक्शन आया है। तो इसमें जो इतनी लंबी तेजी दिख रही है उनके कारणों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और हम लोग ये अनुमान लगाएंगे क्या ये तेजी इस स्टॉक में आगे भी बनी रहेगी या नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग का एनुअल रिपोर्ट जो है इनका पिछले 10 सालों का हम लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, मार्च 2008 में यह 4,244 करोड़ का बिजनेस करती थी, और ये हर साल देखिए दोस्तों, इसके बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मार्च 2019 में आते आते 19,342 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया, और इस पीरियड में, सेम पीरियड में इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये 409 करोड़ से बढ़ करके 2,159 करोड़ हो गया। ये काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है इन पिछले 10 सालों में, और ये लगातार जो है अपना परफॉर्मेंस बनाए हुए है। इनका डिविडेंड पे आउट भी देखिए दोस्तों, ये काफी हेल्दी डिविडेंड पे आउट अपने निवेशकों के लिए देती है, और ये जैसा कि ये करीब करीब 40% के आसपास इनका एवरेज रेट रहा है डिविडेंड पे आउट का, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। और इनका इंटरेस्ट भी देखिए दोस्तों, ये अपने इंटरेस्ट पेमेंट को लिमिटेड रखी हुई है, यानी कि ये कंपनी जो है काफी कम कर्ज ली हुई है। जैसा कि हम लोगों ने अब पहले देखा था, इनका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो न्यूनतम स्तरों पर है। ये कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी लग रही है एनुअल रिजल्ट के हिसाब से। और चूंकि अभी दोस्तों 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, उसको भी हम लोग अभी चेक करेंगे, तो
हम लोग इस आंकड़े को याद रखें दोस्तों कि मार्च 2019 में इसने 2159 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी ने क्या किया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट हम लोगों के सामने दिख रहा है और हम लोग Q1, Q2, Q3 2018 और 2019 के बीच में हम लोग वन बाय वन कंपेरिजन करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट हम लोगों के सामने दिख रहा है, अब हम लोग Q1, Q2, Q3 2018 और 2019 के बीच में हम लोग वन बाय वन कंपेरिजन करेंगे। दोस्तों जून 2018 में एशियन पेंट्स ने 4390 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया था और जून 2019 में वो सेल्स बढ़ करके 5105 करोड़ हो गया। दोस्तों हम लोग जून 18 से जून 19 में जो है हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं, क्वार्टरली ग्रोथ। अब इस पीरियड में दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है 557 करोड़ था जून 2018 में, वो बढ़ करके जून 2019 में 655 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग जो है पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब हम लोग इस जून 18 में देख लें, ये जून 18 में 4615 करोड़ का ये रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि सितंबर में बढ़ करके ये 5051 करोड़ हो गया। तो सितंबर क्वार्टर में भी दोस्तों हम लोगों को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। और सेम पीरियड में प्रॉफिट फ्रंट पर भी देखिए दोस्तों, सितंबर 18 में 492 करोड़ का ये प्रॉफिट दर्ज की थी, जो कि सितंबर 19 में बढ़कर के ये 823 करोड़ हो गया। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग को पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दिसंबर 18 क्वार्टर में देखिए दोस्तों 5263 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि बढ़कर के दिसंबर 2019 में 5440 करोड़ हो गया। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और दोस्तों सेम पीरियड में दिसंबर 18 में 636 करोड़ का ये रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि बढ़कर के दिसंबर 19 में बढ़कर के 764 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग को पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अभी जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि एनुअली बेसिस पर भी इनका पॉजिटिव ट्रेंड रहा था प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर, और क्वार्टरली बेसिस पर भी ये लास्ट ईयर क्वार्टर 2018 के क्वार्टर से 2019 के क्वार्टर में तीन क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ करके आया है। तो दोस्तों अब इसके अनुसार हम लोग इसका प्राइस का एस्टिमेशन लगाने जा रहे हैं। इन आंकड़ों को हमने एक एक्सेल शीट में लेके रखा है, वहां पर चलते हैं दोस्तों, उसको शेयर करते हैं आपके साथ। दोस्तों इनके तीन क्वार्टर के आंकड़े और बाकी आंकड़ों को इस एक्सेल शीट में हम लोग देख रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, पिछले तीन क्वार्टर में ये एशियन पेंट्स जो है 15575 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट कर चुकी है, जो कि FY19 में रिपोर्टेड रिवेन्यू का 80% है। और प्रॉफिट में भी देखिए दोस्तों, ये पिछले तीन क्वार्टर में 2243 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर चुकी है, जो कि FY19 में रिपोर्टेड रिवेन्यू का 103% है। यानी कि ये FY20 में ये तीन क्वार्टर में ही जो है पिछले साल के टोटल रिवेन्यू से ज्यादा ये रिपोर्ट कर चुकी है। और इसका EPS 9 महीने में ही देखिए दोस्तों 23.38 रुपए हो गया, जो कि FY19 में 22.51 रुपए था। यहाँ पर भी इनका 104% का जंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, अब उसके अनुसार हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं अभी तक के इनके रिवेन्यू और प्रॉफिट का। तो FY20 में एशियन पेंट जो है 20767 करोड़ का ये रिवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और प्रॉफिट फ्रंट पर ये लगभग 2991 करोड़ का ये प्रॉफिट रिपोर्ट करने जा रही है। और EPS के फ्रंट पर दोस्तों, इनका जो EPS है वो एस्टिमेटेड है 31.17 रुपीज आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एशियन पेंट्स का जो FY
2020 में जो रिजल्ट आना है उसमें ये सेल्स ग्रोथ लगभग 7% का सेल्स ग्रोथ दिखा सकती है और प्रॉफिट ग्रोथ में इसका 38% का तगड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से दोस्तों इस एशियन पेंट्स का मिनिमम प्राइस जो है 1440 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम प्राइस जो है 1980 रुपये होना चाहिए आने वाले मार्च तक। तो दोस्तों चूंकि अभी मार्केट करेक्टिव मोड में चल रहा है और शेयर मार्केट में बिकवाली हावी है और शेयर जो है 1798 लगभग 1800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये करेक्शन जो है अभी बाजार में हावी रह सकती है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एशियन पेंट के भी शेयर भाव में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोग अगर इस शेयर को 1500 के आसपास अगर मिलता है, जिसकी संभावना काफी कम है, तो हम लोग जो है जब भी ये शेयर 1700 के भाव को तोड़ता है तब हम लोग को वहां पर इस पर तीखी नजर रखनी पड़ेगी और इस शेयर को वहां से एक्युमुलेट करना शुरू हो करना पड़ेगा और हम लोग इसको 1500 के स्तर तक जो है एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो गिरते हुए मार्केट में हम लोग इस को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेंगे और जो एशियन पेंट जो कि निफ्टी की एक दिग्गज कंपनी है, जैसा कि रिजल्ट भी हम लोग देखे काफी अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो इसको हम लोग एक्युमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इस पर पैनी नजर रखते हुए इस शेयर पर इन्वेस्टमेंट की राय बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।